अहमद का साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। जो कांड हुआ, पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या कर दी गई, उसके बाद योगी ने प्रयागराज में जो अवैध कब्जा था उस पर एक बिल्डिंग तैयार कर दिया और गरीबों को अलर्ट कर दिया। अब इससे कितना खुश है जनता, इस पर हम बात करेंगे और इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बने रहना है। बेहतर तो है, जब अतीक जिंदा थे तब क्यों नहीं करा उन्होंने। उनका ही लड़का स्वयं असलहे लेकर के लगातार खुलेआम गोली चला रहा है और वहाँ लगातार उमेश पालके के नाम हत्या हो रही है। जो उनका जो ऑन स्पॉट जो मर्डर किया गया वो गलत था भाई। कानून कहाँ है? कानून आनून तो कुछ मतलब लपेट के रख दिया गया है, बक्से में बंद कर दिया गया है। अतीक को कोर्ट से सजा नहीं मिली अभी तक, चाहे अतीक अहमद मरे हों, चाहे लखनऊ की कोर्ट में संजय जीवा मरे हों। क्या चीजें ऐसी वो जानता था जिस कारण से उसको मरवाया गया? क्या ये पर्ची वाले बाबा है जो आपने आज देखा होगा, आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज गए थे, वहाँ पर जो अवैध तरीके से अतीक अहमद ने कब्जा किया हुआ था उस पर बिल्डिंग तैयार करके गरीबों को आवास दे दिया गया। नहीं, बेहतर तो है, जब अतीक जिंदा थे तब क्यों नहीं करा उन्होंने? अतीक का जिंदा होना जरूरी था? जिंदा होना जरूरी नहीं था, जब जिंदा थे तब क्यों नहीं करा? जिंदा होना जरूरी नहीं, जो अपराधी उसको मारे ठीक अच्छी बात है, जो अपराध कर रहा है देश में उसको मारे अच्छी बात है, लेकिन जब वो जिंदा थे तब उन्होंने ये कार्य क्यों नहीं करा? कहीं ना कहीं वोट की राजनीति है, इस कारण उन्होंने ये कार्य करा है ना। है, और उन्होंने भाई साहब ने जो कहा कि जिंदा थे तब क्यों नहीं किया, वो जिंदा थे तो इनका इंतजार नहीं किया जा रहा था कि हाँ हम काम करेंगे नहीं करेंगे। प्रयागराज में लगातार नगर पालिका से लेकर के और विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक के स्तर के जितने भी कार्य थे सब कर रहे थे। सिर्फ चुनाव नहीं, चुनाव थे और जो विकास परियोजनाएं थी सारे काम चल रहे थे। उसके बाद तब तक एक ऐसा कार्य होता है, ठीक ऐसा कार्य होता है कि खुलेआम गोलियां चल रही होती हैं और उनका ही लड़का स्वयं असलहे लेकर के लगातार खुलेआम गोली चला रहा है और वहां लगातार उमेश पालके के नाम हत्या हो रही है। उसके बाद क्या होता है आपने सभी पूरी जनता जानती है, पूरी जनता ने देखा कि उनका शूट आउट हो जाता है और तीन के नाम में अभियुक्त आते हैं और लगातार गोली चलती है। अतीक अहमद की हत्या कर देते हैं जी, हत्या कर उनके अवैध संपत्ति पर बिल्डिंग बनाकर तैयार करके अब गरीबों को दे दिया। अवैध संपत्ति जितनी भी है उनकी, ठीक चाहे अचल संपत्ति हो चल संपत्ति हो, उसको कुर्क करके अगर गरीबों में बांट दिया जाए, गरीबों को रहने की व्यवस्था दे दी जाए तो ये क्यों क्यों नहीं अच्छा है? ये सबसे अच्छी बात है। और हमारे आपके बीच के नाम है जो जनता है और उसी में से जो नहीं उस हिसाब से के नाम है कमा पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं तो वो रह रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये मैं बधाई देता हूँ, ये बधाई के पात्र हैं, वो योगी जी बधाई के पात्र हैं इस मामले में कि उन्होंने जमीन को के नाम है जो अवैध संपत्ति थी, जो अवैध संपत्ति बना रखे थे, जो जो जनता से, हाँ। सिर्फ योगी जी ने ये कार्य प्रयागराज में क्यों किया? अतीक ने तो बहुत जगह कब्जे करे थे, और जगह क्यों नहीं करे? सिर्फ प्रयागराज को क्यों टारगेट करा योगी जी ने? सबसे पहला जवाब ये दें। और जो विकास की बात करें प्रयागराज में, कौन सा ऐसा विकास अब योगी जी ने कर दिया जो उसके जिंदा रहते नहीं कर पाए थे? उन्होंने गलत किया, उनको उनकी सजा मिली, लेकिन जो तरीका था वो गलत था। जो उनका जो ऑन स्पॉट जो मर्डर किया गया वो गलत था भाई। कानून कहाँ है? कानून आनून तो कुछ मतलब लपेट के रख दिया गया है, बक्से में बंद कर दिया गया है। हम तो कहते हैं जो भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी अपराधी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए कोर्ट से, हर तरीके से कोर्ट से, मगर कोर्ट से। किसी आम आदमी को अधिकार नहीं है कि उसको सजा दे, खुलेआम सजा दी गई जी। ये आपको ये सबसे ये गलत क्या लगता है? गलत दिक्कत नहीं है जी, गलत है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है, 99% गलत है। कानून का सपोर्ट हर आदमी हर नागरिक करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है, नहीं करता है। और मैं इनको भी बात सहमत हूँ, इन्होंने जो भी अभी बात बोली की के नाम है कि चाहे जिस जात का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे वो ठाकुर हो, पंडित हो, ठीक है हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो अपराध के रास्ते पर है तो उसको सजा मिलनी है न्याय से, ठीक कोर्ट से सजा मिलना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि न्यायालय किस लिए बना हुआ? कोर्ट से सजा मिल रहा है, न्यायालय है। अतीक को कोर्ट से सजा नहीं मिली अभी तक, चाहे अतीक अहमद मरे हो, चाहे लखनऊ की कोर्ट में संजय जीवा मरे हो, किसी को कोर्ट के अंदर जाकर के मार दिया जाता है, किस प्रकार का न्याय है भाजपा में? मैं इस बात पे एक बात कहना चाहता हूँ, भाजपा के मैं एक बात कहना सरकार में लाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ी, आपको लगता है? बिल्कुल उड़ी है, पूर्ण रूप से उड़ी है धज्जियां। संजीव जीवा को कोर्ट के अंदर घुस के हत्या कर दी जाती है और उसके साथ सिक्योरिटी परमानेंट रहती थी, उस दिन सिक्योरिटी हटा दी जाती है, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के भेजा जाता है, उस दिन उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली जाती है। उस दिन ऐसा क्या हुआ जो उसको मरवा दिया गया? क्या चीजें ऐसी वो जानता था जिस कारण से उसको मरवाया गया? जो सुरक्षा व्यवस्था एक कड़ी होती है, ठीक उसको पार करके कोई नॉर्मल इंसान
पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक है, ये मैं मानता हूँ। मानते हो आप? बिल्कुल मानता हूँ। चूक है, आप मानते हो? बिल्कुल मानता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि राह चलते किसी भी व्यक्ति को के मन में क्या चल रहा है ये हम आप नहीं जान सकते हैं। हम लोग अंतर्यामी तो है नहीं।